हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और साथ के बंद की शुरुआत करते एक ऐसी खबर के साथ जो कांग्रेस के लिए काफी पंचनायक साबित हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रहे हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो इस वक्त सबसे बड़ी आरोपी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में। ड्रग्स केस में गिरफ्तार होकर रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। कोर्ट ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए जेल भेज रखा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रिया को राजनीति का शिकार बनाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को बिहार की लल्ला बना के वो वोट मांग रहे हैं, और ये वोट के लिए अभी किसी को जान पे अगर चोट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, इनका वोट आगे है, इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। ये सियासत की शिकार है रिया चक्रवर्ती, एक सियासत की शिकार है। अधीर रंजन चौधरी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव की वजह से रिया को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रिया मूल रूप से पश्चिम बंगाल की हैं, जहाँ के अधीर रंजन चौधरी हैं। जब रिया को कांग्रेस का साथ मिला तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ सुशांत के आरोपियों के साथ है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी सदन में कांग्रेस के लीडर है, और अधीर रंजन चौधरी का बयान मतलब कांग्रेस का बयान है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के आरोपियों के साथ खड़ी हो गई है। ये बात सही है कि सुशांत को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने भी सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की थी, और अब जब सीबीआई से होते हुए जांच एनसीबी तक पहुंची और रिया गिरफ्तार हुई तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। बिहार में आरजेडी की राजनीति इससे प्रभावित हो सकती है। तो जिस तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में, आज उन्हीं की पार्टी के विधायक अरुण यादव ये कहते हैं कि सुशांत सिंह तो राजपूत हो ही नहीं सकते। हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले, बुरा मत मानिएगा, बोलिए राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने में सकता है, बोलिए। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादुओं का भी पुरखा, बोले हम लोगों का पुरखा भी है, बोले। लेकिन हमको दुख है, सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए, बोले। वह राजपूत था, मुकाबला करना, बोले। राजपूत डोरी बांध करके मरता है, बोले। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले को लेकर कल जो कुछ जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा था, आज उस पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। सिनेमा के पर्दे से लेकर असल जिंदगी तक जया बच्चन का साथ निभाने वाले शहंशाह अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को निशाना बनाने वालों को जवाब दिया है। दरअसल कल जया बच्चन ने संसद में थाली में छेद करने वाला बयान दिया था, जिसके बाद जया बच्चन सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गईं। जया बच्चन को घिरता देख आज अमिताभ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम, शाम को अंधेरा कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे रहते हैं। अमिताभ ने जया बच्चन के विरोधियों को भले ही जवाब दे दिया हो, लेकिन जया बच्चन के बयान पर अभी भी घमासान जारी है। आज कंगना ने फिर से जया बच्चन पर हमला बोलते हुए कहा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। फिलहाल शिवसेना ने जया बच्चन के बयान का समर्थन करते हुए बॉलीवुड को गंगा की तरह निर्मल बताया है। और अब बात करते हैं भारत चीन विवाद की। चीन की एक और काली करतूत सामने आई है, कैसे वो बातचीत का ढोंग रच रहा है और कैसे वो भारत के हमले की तैयारी कर रहा है। एलएसी पर चीन ने भारत को फिर से उकसाया। भारत के शूरवीरों ने चीन को दिया करारा जवाब। बातचीत की आड़ में चीन की धोखेबाजी पर बड़ा खुलासा हुआ है। 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले लद्दाख की पेंगोंग झील के पास का इलाका गोलीबारी की आवाज से गूंज उठा था। यह घटना तब हुई जब चीनी सैनिकों ने भारत के सैनिकों को फिंगर फोर इलाके से हटाने की कोशिश की।
उस वक्त हालात इतने तनाव से भरे हुए थे कि दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड तक फायरिंग हुई थी। हालांकि ये गोलीबारी एक दूसरे पर नहीं हुई बल्कि चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग की गई थी। चीनी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, कल तक आपको याद होगा वो शांति की बात कर रहा था, आज वही ग्लोबल टाइम्स भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। देश की चोटियों चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समस्या है, यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चालबाज चीन को कड़ा संदेश दिया था, जिसके बाद चीन का सरकारी फोपू ग्लोबल टाइम्स भड़क गया और भारत को युद्ध की धमकी देने लगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शीजिन ने ये कहा कि भारत सरकार घरेलू मोर्चे पर दबाव में है, जिसके चलते वो सीमा पर तनाव कम करने के लिए समझौता नहीं करेगी। ऐसे में हालात फिर 1962 जैसे होंगे। कल तक भारत के साथ सहयोग की बात कर रहा ग्लोबल टाइम्स अब भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। चीनी सैनिकों के युद्धाभ्यास का ये वीडियो भी आज ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। चीन ऐसे वीडियो जारी कर ये भूल रहा है कि उसे पटखनी देने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार खड़ा है। दुश्मन मुल्क चीन की तैयारियां आपने देखी, अब आपको भारतीय फौज की तैयारियां दिखाते हैं कि कैसे कड़कती सर्दी में भी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार रहने वाली है। ग्लोब मास्टर जहाज के जरिए हथियार और रसद फ्रंट लाइन पोस्ट तक भेजी जा रही है। जमा देने वाली ठंड से सैनिकों को बचाने के लिए खास टेंट का इंतजाम किया गया है। जो एक या दो सैनिक जो होते हैं जो एक साथ रहते हैं उनके लिए बड़ी पेयर सिस्टम के लिए एक छोटा सा ये टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर और नीचे देखेंगे कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे तो दो जो सैनिक है वो आराम से इस टेंट के अंदर रह सकते हैं, सो भी सकते हैं। लेयर है, डबल लेयर है, इसको बंद कर सकते हैं, पानी भी नहीं आएगा, बरसात होती है और एयर के लिए ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर होल्स बनाए हुए हैं, खिड़की की तरह बनाए हैं। भारत की ये तैयारियां चीन और सर्दी में मौसम से निपटने के लिए भी की जा रही है। -40 डिग्री की ठंड में जवानों के लिए खास टेंट का इंतजाम तो किया ही गया, साथ में स्याह सफेद बर्फ में दुश्मनों को चकमा देने वाले सूट भी तैयार किए गए हैं। जवानों को साजो सामान से लैस करने के साथ ही LAC पर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात की गई है। अब चीन लाख कोशिशें कर ले लेकिन उसकी भारत के सामने एक भी नहीं चलने वाली। बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, लोगों से भरी नाव आज पानी में डूब गई और कई लोगों की जान चली। लोगों से खचाखच भरी ये नाव किनारे पर पहुंचने से पहले ही डूबने लगी। लोगों को डूबता देख वहां चीख पुकार मच जाती है। नदी के किनारे खड़े लोग जैसे तैसे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तैरकर नदी से बाहर निकल आते हैं और कुछ बेबस लोग नदी में डूब जाते हैं। खौफनाक हादसे की ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा से आई हैं। यहाँ एक नाव पर सवार करीब 45 लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। संसद में आए 3 कृषि बिलों पर अब खुलकर BJP बनाम कांग्रेस हो गया है। पंजाब में विरोध कर रहे किसानों के साथ अमरिंदर सिंह खड़े हो गए तो दिल्ली में नड्डा साहब ने कांग्रेस की तरफ से केंद्र की तरफ से कमान संभाली। कल पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया था। पंजाब के नाराज किसानों ने कई जगह रास्ता भी जाम किया था। पंजाब के किसानों को मनाने के लिए CM अमरिंदर सिंह ने किसानों से दिल्ली जाकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। कोई सड़क रोकनिया नहीं या कोई पुल रोकने नहीं तो चलो दिल्ली चल जाए, थोड़े उठे करो साढ़े पंजाब के बीच जब पंजाब गवर्नमेंट ही थोड़े नाल है पूरे साड़िया सड़क रोकने का क्या इन्हों लाभ होएगा। अगर तुम कोई अपना इंपैक्ट देना है और असी थोड़े नाल है इस इंपैक्ट के बीच तो चलो दिल्ली।
अमरिंदर सिंह ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। किसानों के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने बिल को किसान विरोधी बताया है, वहीं बीजेपी इस बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। साथ के पंच में बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे जापान की। जापान को कोरोना काल में नया प्रधानमंत्री मिल गया है। स्वास्थ्य कारणों से जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शिंजो आबे को फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विदाई दी गई। आज शिंजो आबे की कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। अब योशीहिदे सुगा को जापान का नया पीएम चुना गया है। योशीहिदे सुगा ने शिंजो आबे मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में भी काम किया है। जापान के नए प्रधानमंत्री सुगा को पीएम मोदी ने जापानी भाषा में बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने सुगा से भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद जताई है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शांति दूत की इमेज पेश कर रहे हैं। उन्होंने समझौता कराया इसराइल के साथ, बहरीन और यूएई का। ये तस्वीरें खाड़ी देशों और इसराइल के नए रिश्तों की शुरुआत की हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में इसराइल के कट्टर विरोधी यूएई और बहरीन के नेताओं ने साथ बैठकर ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत खाड़ी के दो प्रमुख देशों ने इसराइल के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करते हुए उसे मान्यता दे दी है। समझौतों को अब्राहम संधि का नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते को नए मिडल ईस्ट का आगाज बताया है। 1948 में आजादी के बाद से इसराइल का अरब देशों से विवाद चलता रहा है। इस समझौते से इसराइल को मान्यता देने में अब जॉर्डन और मिस्र के बाद बहरीन और यूएई का नाम जुड़ गया है। इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच जो समझौता हुआ उसका विरोध भी शुरू हो गया है। कल हमास ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किए। ये तस्वीरें खाड़ी देशों और इसराइल के नए रिश्तों की शुरुआत की हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में इसराइल के कट्टर विरोधी यूएई और बहरीन के नेताओं ने साथ बैठकर ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत खाड़ी के दो प्रमुख देशों ने इसराइल के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करते हुए उसे मान्यता दे दी है। समझौतों को अब्राहम संधि का नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते को नए मिडल ईस्ट का आगाज बताया है। 1948 में आजादी के बाद से इसराइल का अरब देशों से विवाद चलता रहा है। इस समझौते से इसराइल को मान्यता देने में अब जॉर्डन और मिस्र के बाद बहरीन और यूएई का नाम जुड़ गया है।